दोस्तों आप लोगों ने बहुत दिनों से मुझे कमेंट करे थे कि औजा और स्ट्रेंजर 500 वाटेज एम्पलीफायर में से कौन सा एम्पलीफायर हम ले ताकि हमारे लिए बेटर रहेगा। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, जो कि दोनों एम्पलीफायर के बारे में फुल एक्सप्लेन करने वाला हूं कि औजा का एम्पलीफायर बेटर रहेगा कि स्ट्रेंजर का बेटर रहेगा। ऐसे तो दोस्तों दोनों ये एम्पलीफायर मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा चलता है, बट दोस्तों आप लोग का सवाल का यहाँ पर हमें उत्तर देना बिल्कुल ही जरूरी है कि इन दोनों एम्पलीफायर में से कौन सा एम्पलीफायर आपके लिए बेटर रहेगा और कौन सा एम्पलीफायर आपके लिए यूजफुल रहेगा। इस एम्पलीफायर में से कौन सा एम्पलीफायर ज़्यादा ताकत लगा सकता है और कौन सा एम्पलीफायर ज़्यादा लोड ले सकता है और कौन सा एम्पलीफायर लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। इन दोनों एम्पलीफायर के प्राइस के बारे में भी बात करेंगे कि इन दोनों एम्पलीफायर का प्राइस कितना हो जाएगा, यानी औजा का प्राइस कितना हमें देखने को मिल जाएगा और स्ट्रेंजर का प्राइस देखने को कितना मिल जाएगा। तो दोस्तों प्राइस भी यहाँ पर बहुत सारा डिफरेंस रखेगा कि इन दोनों एम्पलीफायर में से कौन सा एम्पलीफायर बेटर है। तो गाइस आप लोग को वीडियो में मालूम चलेगा लास्ट में कि इन दोनों एम्पलीफायर में से कौन सा आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PSTJ ब्लॉग नंबर 1 में। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें ऐसा ही वीडियो बनाने में मोटिवेशनल मिलता रहे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सिंपली गाइस यहाँ पर हम दो एम्पलीफायर लिए हैं, जो कि एक स्ट्रेंजर एम्पलीफायर है और दोस्तों एक औजा कंपनी का एम्पलीफायर है। दोस्तों इन दोनों एम्पलीफायर के आपस में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे कि इन दोनों एम्पलीफायर में से कौन सा एम्पलीफायर बेटर रहेगा हमारे लिए और कौन सा एम्पलीफायर का कितना प्राइज आगे पीछे देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे औजा हाई वाटेज PA मिक्सर एम्पलीफायर के, और दोस्तों यहाँ पर एक और एम्पलीफायर लिए हैं जो कि स्ट्रेंजर मोनो एम्पलीफायर। ये दोनों एम्पलीफायर आप लोगों को जो कि 500 वाटेज में देखने को मिल जाता है, बट दोस्तों इन दोनों एम्पलीफायर में से कौन सा ताकतवर एम्पलीफायर है और कौन सा सबसे बेस्ट एम्पलीफायर हमारे लिए होगा, इस वीडियो में लास्ट में बात करेंगे कि कौन सा एम्पलीफायर आपको लेना चाहिए और कौन सा एम्पलीफायर नहीं लेना चाहिए। तो सिंपली गाइस औजा के मॉडल नंबर के बारे में बात करेंगे तो औजा का मॉडल नंबर आप लोग को SSA 5000 DP देखने को मिलेगा, जबकि स्ट्रेंजर का मॉडल नंबर आप लोग को PVT 501 देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे औजा के पावर आउटपुट के बारे में, तो इसका पावर आउटपुट आप लोग को 500 वाटेज RMX देखने को मिल जाएगा और दोस्तों कंपनी यहाँ पे 750 वाटेज मैक्स करके देती है, यानी कंपनी बोलती है कि 500 वाटेज का एम्पलीफायर है बट आप लोग इस पे 750 वाटेज तक भी लोड डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कंपनी 250 वाटेज एक्स्ट्रा बोलती है कि आप लोग एक्स्ट्रा इस पे चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेंजर के पावर आउटपुट के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रेंजर का पावर आउटपुट आप लोग को 500 वाटेज RMX देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंपनी कोई भी ओवर वाटेज नहीं दिखाती है कि आप लोग इतना इस पर ओवरलोड डाल सकते हैं। यहीं पे दोस्तों हम बात करेंगे औजा के फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में, तो इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स आप लोग को 50 से 15000 हर्ट्ज देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ये बेस्ट है। इस एम्पलीफायर से लाउडनेस आवाज़ आप लोग को सुनने को दूर तक मिल जाएगा। यहीं पे दोस्तों हम बात करेंगे स्ट्रेंजर के बारे में, तो स्ट्रेंजर में आप लोग को इसका फंक्शन यहाँ पर कोई शो नहीं किया गया, तो मान के चलिए कि इसमें आप लोग को फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स का शो नहीं किया गया, आप लोग अपने से इसको निकालना पड़ता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर स्पीकर आउटपुट के बारे में, औजा के किस पे कैसे हम बॉक्स कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे इस पे हम हॉर्न कनेक्शन कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस औजा का स्पीकर आउटपुट आप लोग को 4 ओम और 8 ओम स्पीकर यानी बॉक्स कनेक्ट के लिए यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि 4 ओम और 8 ओम का होता है। और दोस्तों हॉर्न कनेक्शन के लिए आप लोग को 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जबकि आप लोग को स्ट्रेंजर में स्पीकर आउटपुट के लिए 2 ओम और 4 ओम और दोस्तों हॉर्न कनेक्शन के लिए आप लोग को 70 वोल्ट और 100 वोल्ट देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर औजा में आप लोग को 2 ओम का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है और दोस्तों स्ट्रेंजर में आप लोग को 2 ओम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बट स्ट्रेंजर में आप लोग को 8 ओम का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है और दोस्तों औजा में 8 ओम का देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों हम बात करेंगे औजा के नेट वेट के बारे में, तो आप लोग को औजा का नेट वेट 27 kg देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी हैवी एम्पलीफायर है, इसमें आप लोग को बहुत ही हैवी वजन देखने को मिल जाएगा।
अब दोस्तों हम बात करेंगे यहीं पे स्ट्रेंजर के नेट वेट के बारे में। तो स्ट्रेंजर का नेट वेट आप लोग को 21.5 kg देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर अहूजा नेट वेट में काफ़ी आगे निकल कर चला गया, जो कि आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि स्ट्रेंजर केवल यहाँ पर 21.5 kg है और दोस्तों यहाँ पर अहूजा जो है 27 kg है। स्ट्रेंजर में आप लोग को 3-वे नोब कंट्रोल देखने को मिल जाता है, बट दोस्तों यहाँ पर अहूजा में आप लोग को 2-वे नोब कंट्रोल देखने को मिलता है। 3-वे और 2-वे का मतलब क्या होता है? 3-वे का मतलब होता है कि बेस, मिड और यहाँ पर झनकार, तीनों चीज़ इसमें स्ट्रेंजर में आप लोग को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अहूजा में आप लोग को 2-वे देखने को मिलता है, यानी आप लोग उसमें केवल बेस और झनकार कंट्रोल कर सकते हैं, उसका मिड बराबर रहता है जो कि उसके अंदर इनबिल्ट देखने को मिलता है। बट दोस्तों स्ट्रेंजर यहाँ पर थोड़ा सा आगे पॉइंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को मिड यहाँ पर कंट्रोल के लिए अलग से वॉल्यूम नोब दिया गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अहूजा में आप लोग को यहाँ पर माइक इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग इसमें छोट मोट प्रोग्राम डायरेक्टली विदाउट मिक्सर के कर सकते हैं, जो कि अहूजा में आप लोग माइक भी इंसर्ट करने को ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों स्ट्रेंजर में ऐसा ऑप्शन आप लोग को देखने को नहीं मिलता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि स्ट्रेंजर यहाँ पर बिल्कुल ही पीछे चला गया, क्योंकि अहूजा में आप लोग को 6 माइक 7 माइक का इंसर्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप लोग छोट मोट लाइव प्रोग्राम, हर कीर्तन प्रोग्राम इजीली उसमें माइक ही डालकर प्रोग्राम कर सकते हैं। बट दोस्तों आप लोग स्ट्रेंजर में ऐसा नहीं कर सकते हैं, स्ट्रेंजर में अलग से आप लोग को 5000-8000 का मिक्सर लेना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर अहूजा में आप लोग को डिजिटल मीडिया प्लेयर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग USB, ब्लूटूथ और डायरेक्ट चिप और दोस्तों MMC कार्ड द्वारा आप इसमें प्ले कर सकते हैं, जो कि अहूजा यहाँ पर सिस्टम ये चीज़ दे रहा है 500 वाटेज के एम्पलीफायर में। बट दोस्तों स्ट्रेंजर के बारे में बात करेंगे, तो स्ट्रेंजर में आप लोग को डिजिटल मीडिया प्लेयर का कुछ भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, यानी स्ट्रेंजर केवल आप लोग इसे मिक्सर सेपरेट कर पाएंगे, या आप लोग इसमें ऑडियो तो डायरेक्ट बजा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट दोस्तों अगर आप लोग लाइव प्रोग्राम करना चाहेंगे तो इसमें विदाउट मिक्सर का स्ट्रेंजर में नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर अहूजा 2 पॉइंट में बिल्कुल ही आगे चला गया, क्योंकि अहूजा में डायरेक्ट आप लोग मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करके उसे कहीं भी बजा सकते हैं, कोई आप लोग को लीड वायर का जरूरत नहीं है। बट दोस्तों स्ट्रेंजर में ऐसा आप लोग को फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर अहूजा 2 पॉइंट में आगे चला गया, यानी एक इसमें 6 माइक इंसर्ट करके आप लोग को ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और दोस्तों इसमें ब्लूटूथ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों ऐसा स्ट्रेंजर में कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों दोनों में स्विच का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर दोनों बेस्ट है, यानी हॉर्न चलाना है तो हॉर्न तरफ स्विच कीजिएगा, तो यहाँ पर अहूजा में भी दे रहा है और स्ट्रेंजर में भी दे रहा है, तो ये सिस्टम दोनों में दे रहा है, दोनों में बेस्ट है, जो कि आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे रीसेट के बारे में, तो रीसेट में अहूजा में भी रीसेट का ऑप्शन दे रहा है और दोस्तों स्ट्रेंजर में भी रीसेट का दे रहा है। रीसेट का मतलब ये होता है कि अगर आपका एम्पलीफायर कभी ओवरलोड में चला गया, आप लोग 500 वाटेज का है, 750 वाटेज तक इसका वाटेज है, अगर आप लोग इस पर 1500-1000 तक लोड देकर चला रहे हो और दोस्तों आपका एम्पलीफायर हीट प्रॉब्लम और ओवरलोड में चला गया, तो आप लोग पुनः फिर से रीसेट का बटन प्रेस कीजिएगा, तब पुनः आपका ये दोनों एम्पलीफायर रन करना चालू कर देगा। तो ये सिस्टम दोनों में देखने को मिल जा रहा है, जो कि काफ़ी है, बेस्ट है, तो यहाँ पर दोनों ही बराबर है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इन दोनों एम्पलीफायर के प्राइस के बारे में, स्ट्रेंजर का प्राइस कितना होगा और दोस्तों अहूजा का जो 500 वाटेज का एम्पलीफायर है इसका प्राइस कितना होगा। तो दोस्तों इसका प्राइस हम अप्रोक्स प्राइस दोनों का बताएंगे, हो सकता है कि आपके मार्केट में 1500-2000 ऊपर नीचे हो जाए, तो आप लोग वहाँ पे अपना मैनेज कर लीजिएगा। बट दोस्तों इसके प्राइस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा एम्पलीफायर मस्त है, यानी कौन सा एम्पलीफायर कम प्राइस का है और कौन सा एम्पलीफायर ज़्यादा प्राइस का है। तो दोस्तों यहाँ पर अहूजा का अप्रोक्स प्राइस के बारे में बात करेंगे, तो अहूजा का अप्रोक्स प्राइस आप लोग को 26,975 रुपया देखने को मिल जाएगा, जबकि आप लोग को स्ट्रेंजर का अप्रोक्स प्राइस के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रेंजर का अप्रोक्स प्राइस आप लोग को 13,599 रुपया देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका प्राइस रेंज कितना आप लोग को हैवी देखने को मिल रहा है, लगभग आप लोग को यहाँ पे 10,000 से 10,500 के बीच में अंतराल देखने को मिल रहा है, यानी स्ट्रेंजर अहूजा से 10,500-10,500 कम है और अहूजा 10,500 आगे है। तो दोस्तों यहाँ पर प्राइस में कंप्रोमाइज आप लोग को करना ही पड़ेगा, अगर आप लोग सादा एम्पलीफायर लेना चाहते हैं तो आप लोग स्ट्रेंजर का ले सकते हैं, स्ट्रेंजर भी बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का एम्पलीफायर है। अगर दोस्तों आप लोग 500 वाटेज के एम्पलीफायर में ही सब कुछ सिस्टम चाहिए, जैसा कि माइक भी चलाना विदाउट मिक्सर का, तो आप लोग अहूजा के तरफ जा सकते हैं, और दोस्तों ब्लूटूथ का भी फंक्शन आप लोग को लेना है तो आप लोग अहूजा के तरफ जा सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर औजा में आप लोग को कुछ हाई वाटेज देखने को मिल जाता है, पावर भी इससे ज़्यादा निकाल कर देगा। और इसमें दो पॉइंट आप लोग को फंक्शन भी इसके अंदर बहुत सारा स्ट्रेंजर के मुकाबले देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर औजा में आप लोग को प्राइज आ यहाँ पर 10,000 का मेंटेन करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इन दोनों एम्पलीफायर में से बेटर कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आप लोग सब कुछ इस वीडियो में समझ ही गए होंगे कि कौन सा एम्पलीफायर बेटर है। जिसमें ज़्यादा प्राइस लग रहा है, जिसमें ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, तो वो एम्पलीफायर बिल्कुल ही ताकतवर है। अगर दोस्तों आप लोग कम प्राइस में लेना चाहते हैं तो स्ट्रेंजर का ले सकते हैं, आप लोग का इजिली काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्ट्रेंजर भी अच्छा खासा मार्केट में चलता है, इसका भी पकड़ बहुत ही काफ़ी बेस्ट है। बट दोस्तों हम बात करेंगे कि दोनों एम्पलीफायर में से कौन सा एम्पलीफायर बेटर रहेगा, तो आप लोग औजा बेटर रहेगा, आप लोग औजा का एम्पलीफायर ले सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट है कि औजा में आप लोग को 10,000 ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप लोग औजा को ले सकते हैं। अदरवाइज आप लोग औजा में 10,000 इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग स्ट्रेंजर का एम्पलीफायर ले सकते हैं, जो कि काफ़ी ये बेस्ट है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा एम्पलीफायर बेटर है। बट दोस्तों उसमें आप लोग को प्राइस भी लग रहा है, बट दोनों में से जीतेगा तो औजा ही जीतेगा, क्योंकि उसके अंदर आप लोग को बहुत सारा फंक्शन देखने को मिल जाता है। और इसके मुकाबले वाटेज भी वो ज़्यादा निकाल कर देगा, यानी इसके मुकाबले हरन भी ज़्यादा चलाएगा और बॉक्स भी ज़्यादा वाटेज का लोड ले लेगा औजा बिल्कुल, और कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। बट दोस्तों स्ट्रेंजर उसके मुकाबले बहुत ही कम लोड लेगा। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि किसी तरह का वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों अगर आपके भी मन में साउंड सिस्टम से रिलेटिव कोई सवाल है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।